कार्यवाहक क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर बिमल जी, हमारे मीडिया प्रभारी आकाश मिश्रा मुंटी जी व इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों माताओं, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, निश्चित रूप से वो देवभूमि है। जब हम लोग चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो देवभूमि ही जाते हैं और देवभूमि में ही सारे महापुरुष, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य सब वहां विराजमान। तो ऐसे समय ऐसे देवभूमि के लोग यहाँ रहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में हुआ करता था, आज भी नहीं लगता है उत्तराखंड कोई हमसे अलग हो गया है। आज भी नहीं लगता है कि उत्तराखंड कोई हमसे अलग हो गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक दूसरे में समाहित है, हर विषय में, चाहे विकास का विषय हो, चाहे सांस्कृतिक विषय हो, हर जगह दोनों तरह की संस्कृतियां, दोनों तरह का विकास, सब कुछ संभव, सब एक साथ होता है। तो आप लोग जो इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये जो उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है इसके माध्यम से, मैं अक्सर देखा जा करता था कि यहाँ उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है, आज आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो यहाँ आकर के ये नहीं लगता कि मैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के किसी भूभाग में हूँ। ये भी उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश भी एक ही तरह का एक प्रदेश, एक समाहित है एक दूसरे में। मैं बहुत सी प्रस्तुतियाँ अभी यहाँ पर हुई, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई। एक छोटी सी बच्ची ने जो नृत्य किया, गायन चल रहा था जब मैं यहाँ आया, तो बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई। अभी आने और भी प्रस्तुतियाँ आने को है, मैं ज़्यादा समय उन प्रस्तुतियों के बीच में और आप लोगों के बीच में नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस उत्तराखंड महोत्सव को, अपनी बधाई देना चाहता हूँ और आप सबका सम्मान करते हुए, आप सबके चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेष नारायण मिश्रा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्र, और मैं